नमस्कार, टैलेंटेड व्यू के इस अंक के साथ हाजिर हूं मैं राहुल तिवारी। देश में अब लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण बाकी है और इस अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल की भी कुछ सीटों पर मतदान होना है, जिनमें कोलकाता की सीट भी प्रमुख है। कल शाम यानी मंगलवार को कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक रोड शो था, जिसमें थोड़ी सी हिंसा हुई। पत्थर फेंके गए उनके काफिले पर और उसके बाद ये हिंसा भड़की और इस हिंसा के भड़कने के दौरान एक कॉलेज में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा जो है उसे भी नुकसान हुआ और एक ब्लेम पॉलिटिक्स उस हमले के बाद उस रोड शो और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच शुरू हो गई। ममता बनर्जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि एक एक इंच का बदला लूंगी। गुंडे थे भाजपा के जिन्होंने रोड शो के दौरान उपद्रव मचाया और राज्य में शांति भंग करने की कोशिश की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का यह दावा है कि दीदी के कहने पर यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर वहाँ ये हिंसा हुई, ये उपद्रव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश TMC तृणमूल कांग्रेस उस राज्य में कर रही है, जिसका जवाब जनता उनको देगी। आज बुधवार के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ बाकायदा एक PC की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके ऊपर कई आरोप लगाए। क्या कहा अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा कि देश में 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, 6 के 6 ही चरणों में सिर्फ बंगाल के अलावा कहीं भी हिंसा नहीं हुई। मैं ममता जी को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, मगर कहीं भी हिंसा नहीं हुई। बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई, इसका मतलब साफ है कि हिंसा TMC कर रही है। सीधे तौर पर अमित शाह ने TMC के ऊपर हिंसा करने का, हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोड शो से पहले वहाँ लगे पोस्टर फाड़ दिए गए। जब रोड शो शुरू हुआ बहुत भीढ़ थी, अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा था। 2.5 घंटे तक रोड शो शांतिपूर्ण तरीके से चला, लेकिन 3 बार हमले किए गए और तीसरे हमले में तोड़फोड़, आगजनी और बोतल में केरोसिन डालकर हमला किया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर की जो मूर्ति को क्षति हुई है, उस बारे में शाह ने कहा कि सुबह से पूरे कलकत्ता में चर्चा थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर आकर कुछ लोग दंगा करेंगे। पुलिस ने कोई जांच नहीं की और ना ही किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ईश्वरचंद विद्यासागर की जो प्रतिमा रखी है वह कमरे के अंदर है, कॉलेज बंद हो चुका था, सब कुछ लॉक था। फिर किसने कमरे खोले, ताला किसने खोला, जबकि ताला टूटा भी नहीं है, चाबी किसके पास थी, इस बारे में जांच होनी चाहिए। कॉलेज का पूरा कब्जा जो है वो TMC के पास, ही आरोप अमित शाह ने लगाए। जबकि TMC द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कथित रूप से कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो ये ब्लेम पॉलिटिक्स चलती रही। अमित शाह ने कहा कि महान शिक्षा शास्त्री की प्रतिमा को तोड़ने का मतलब है कि TMC की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सब होना था, चल रहा था, इसी बीच आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सभा कोलकाता में हुई। लेकिन सभा से पहले उन्होंने भी एक ट्वीट किया और इस लड़ाई में वे भी कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भाजपा से भयभीत होकर ममता बनर्जी जो हैं बंगाल में सभाओं के मंच तोड़कर, मजदूरों को पीटकर और रैलियां रद्द करवाकर बंगाल को क्या बनाना चाहती हैं। याद रखिए, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। बगदादी जो इस्लामी स्टेट का सरगना है, उसको भी उन्होंने इस पूरे मामले में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि बगदादी से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल को बगदीदी बनने का आपका जो सपना है वो भारत माँ के सच्चे सपूत वोट की चोट से तोड़ कर रहेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल जो TMC का तो गढ़ है ही और भाजपा कुछ महीनों से इस क्षेत्र को अपना प्रभाव पैदा करने की क्षेत्र में, यहाँ अपनी सीटें बढ़ाने की कवायदों में जुटी हुई है। ऐसे में अमित शाह के रोड शो के दौरान जो हिंसा हुई, यह हिंसा किसने की, कौन वो कार्यकर्ता थे, कौन वो लोग थे, क्या TMC के लोग थे, गुंडे थे, क्या BJP के कार्यकर्ता थे, क्या पैसे देकर बुलाए गए थे, तमाम सारी जो बातें हैं ये जांच का विषय है। लेकिन इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लगाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के तमाम सारे केंद्रीय मंत्री, भाजपा के तमाम सारे बड़े नेता इस मामले पर अब विरोध जाहिर कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं। गलती किसकी है ये तो बात सामने आएगी ही, लेकिन दबाव की राजनीति और आरोप की राजनीति पश्चिम बंगाल में जमकर चल रही है। टैलेंटेड व्यू के इस खास सेगमेंट में, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, आज हम
चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की उज्जैन लोकसभा सीट की। हम बीते कुछ दिनों तक जब तक चुनाव संपन्न होने वाले हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग सीटों पर चर्चाएं करेंगे, वहाँ के जो विश्लेषण है, वहाँ का जो अनुमान है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। आज हम उज्जैन लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं जो हमेशा से भाजपा का गढ़ रही है और कांग्रेस को इस चुनाव में भी यहाँ जीत के लिए खासा संघर्ष करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन की यदि बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी सत्यनारायण जटिया यहाँ से सबसे अधिक बार जीत कर सांसद बने हैं। वे इस सीट से 7 बार सांसद रहे हैं। सीट पर सबसे पहले कांग्रेस ने शुरुआत में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस यहाँ कमज़ोर होती गई और भाजपा के नेता लगातार जीतते रहे। वर्तमान में भी भाजपा के डॉक्टर चिंतामणि मालवीय यहाँ से सांसद हैं, जिनके कई उठपटांग बयान हमेशा 5 सालों में सामने आते रहे हैं। उज्जैन लोकसभा सीट की अगर बात करें हम तो 1957 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस के राधेलाल व्यास ने जीत दर्ज की थी। वे जो थे उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भाजपा के जनसंघ के नेता थे, भाजपा तो तब थी नहीं। कैलाश प्रसाद भार्गव को उन्होंने यहाँ हराया था। अगला चुनाव 1962 में हुआ, तब भी यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली। 1967 के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित हुई, परिसीमन के बाद कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकली। 1967 के बाद पहली बार इस सीट पर कांग्रेस को हार मिली। जब 2 बार कांग्रेस जीत चुकी थी, तीसरी बार उसको हार मिली। इसके बाद 1984 में जो है कांग्रेस 3 चुनाव में कांग्रेस यहाँ बहुत कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन 1984 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। तब यहाँ से सत्यनारायण पवार थे कांग्रेस के नेता, वे जीते। 1984 की जीत को 1989 में सत्यनारायण पवार नहीं दोहरा सके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो 84 में सत्यनारायण पवार जो हैं उनसे जो हारे थे सत्यनारायण जटिया, वे 89 में जीते और सांसद बने। ये भाजपा के नेता थे। इसके बाद इनको इस सीट पर लगातार जीत मिलती गई, 6 बार इस सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस के कई नेता आते जाते रहे लेकिन नाकाम रहे। 2009 में जब चुनाव हुए तब यहाँ से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने जीत हासिल की और भाजपा की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। 2009 के बाद भाजपा ने कई सारे कारणों का विश्लेषण किया, खोज पड़ताल की। सत्यनारायण जटिया को अपने ही लोगों ने बेगाना कर दिया, कई लोगों के विरोध का शिकार हुए, तो उन्होंने नया चेहरा ढूंढा। 2014 में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को यहाँ से उतारा गया। प्रोफेसर आदमी है, पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा कहा गया, और उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। 3,09,663 मतों से जीते, प्रेमचंद गुड्डू को यहाँ से हराया। अब इस लोकसभा सीट में जो विधानसभाएं आती है उनमें उज्जैन ज़िले की उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, महिदपुर, नागदा, घटिया, तराना और बड़ानगर विधानसभा है। इसके अलावा रतलाम की आलोट विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ जीती है, लिहाजा कांग्रेस को इस सीट से फ़ायदा मिलने की उम्मीदें इस बार नज़र आ रही हैं। 5 सीटें कांग्रेस के कब्ज़े में हैं, 3 सीटें भाजपा के कब्ज़े में हैं। अब कांग्रेस ने इस बार यहाँ से जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है वे हैं बाबूलाल मालवीय, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया वे हैं पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया। लोकसभा सीट उज्जैन पर कुल मतदाताओं की संख्या है 14,98,473, जिनमें सामान्य वर्ग के मतदाता 24.6% हैं, पिछड़ा वर्ग के 18.6%, SC/ST के 46.3% हैं, अल्पसंख्यक 3.9% हैं और बाकी अन्य वर्गों के 6.6% हैं। यानी कि बड़ा वर्ग जो है वो SC/ST वर्ग का यहाँ पर है, और चूंकि सीट आरक्षित है दोनों नेता के उसी वर्ग से आते हैं। अब अनिल फिरोजिया जो हैं ये तराना से पहले विधायक रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए तराना क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे थे। तो जो काम इन्होंने किए हैं वो इनका एक मजबूत आधार है। इनके पिता और इनकी बहन ये भी विधायक रह चुके हैं, इसके बाद में विधायक थे पहले लगातार। इस बार विधानसभा का चुनाव इन्हें हारना पड़ा है और पहली बार ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इनके लिए थोड़े से कमज़ोर हैं। बाकी एक लोकप्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क में हैं और उसका फ़ायदा उन्हें यहाँ मिल सकता है। बाबूलाल मालवीय भी वरिष्ठ विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मंत्री रहे हैं, राजनीतिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो फौज है वह धीरे धीरे अब छोटी होती जा रही है। बड़े नेताओं से जीवंत रूप से संपर्क में नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, लिहाजा उनसे संपर्क में तो होना है। राहुल गांधी ने उनके समर्थन में सभा की थी, प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था, कई दूसरे नेता भी आ चुके हैं, और चूंकि विधायक हैं इसलिए वे सोचते हैं या कांग्रेस का ऐसा मानना है कि इस चुनाव में उन्हें जीत मिल सकती है। ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है।
लेकिन तराना के अलावा बाहर ज़्यादा बड़ी पहचान उनकी नहीं है, लिहाजा ये कमज़ोरी भी उनकी मानी जा रही है। तो ये था उज्जैन लोकसभा सीट का विश्लेषण। जीतना और हारना ये प्रत्याशियों की अपनी योग्यता पर साथ ही साथ मतदाताओं के मनस्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्याशी निश्चित रूप से लोगों के बीच जब पहुँचते हैं कई तरह के वादे करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। राष्ट्रीय दल जो है उसके नेता कौन हैं, उसका जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है, इसका भी चुनाव पर खासा फर्क पड़ता है। कई परंपरागत वोटर होते हैं, कई नए वोटर होते हैं, और इन दोनों के बीच में एक वोटर ऐसा होता है जो हर चुनाव में कभी इधर या कभी उधर खिसकता है। तो ये तमाम सारे मतदाता हैं जो इस चुनाव का भविष्य तय करेंगे, और उज्जैन लोकसभा सीट पर कौन जीतता है ये आने वाला समय 23 मई को बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही दलों के प्रत्याशी यहाँ पर मेहनत करने में जुटे हुए हैं। कई बड़े नेता इस सीट को अपने पाले में लाने की कवायदें कर रहे हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।